you many many happy returns of the day. Thank you so so much. Thanks a lot कि आप सब लोग यहाँ पर आए और मेरे बर्थडे में शरीक हो रहे हैं. I'm very very happy. Thank you so much. Okay, पाकी मैम, आज का दिन आपके लिए कितना स्पेशल है? पहला विश किसने किया था? Of course it has to be my family. मेरे लिए मेरी फैमिली बहुत मैटर करती है और हर एक के लिए उनकी फैमिली मैटर करती है. तो इट फील्स वेरी स्पेशल टू बी लव्ड एंड केयर्ड बाय योर फैमिली फर्स्ट एंड देन ऑफ कोर्स योर फ्रेंड्स. सो योर बेस्ट फ्रेंड्स कम इन द लिस्ट. सो सभी फ्रेंड्स ने मुझे कॉल करके अराउंड 12 o'clock विश किया. फेल्ट वेरी नाइस एंड लव्ड एंड केयर्ड. अपार्ट फ्रॉम दैट, इंडस्ट्री में से जितने भी हमारे परिचित हैं उन्होंने सब ने मुझे कॉल किया, विश किया. सो सुबह से काफ़ी सारे फ़ोन कॉल्स और चल रहे हैं. बहुत खुशी होती है दैट यू आर वांटेड इन योर लाइफ. अब तक क्या स्पेशल गिफ्ट मिला है आपको इस बर्थडे पर स्पेशल? आई एम नॉट वेयरिंग इट राइट नाउ बट आई गॉट अ वेरी क्यूट गिफ्ट ऑफ अ स्मॉल पेंडेंट व्हिच वाज गिवन बाय माय फैमिली एंड इट्स लाइक विथ आवर फर्स्ट अर्निंग शी हैज गिवन. सो दैट इज वेरी स्पेशल टू मी. बचपन में किस तरह से सेलिब्रेट करती थी और अब जब इतनी बड़ी हो गई है तो कैसे सेलिब्रेट करती है? बचपन की कुछ अगर यादें अगर आप शेयर करना चाहें हमारे ऑडियंस के साथ. मुझे बचपन में बहुत ज़्यादा बर्थडे सेलिब्रेट किए हुए याद नहीं है. मैं बहुत मीडियम क्लास फैमिली से रही हूँ तो बर्थडेज का इम्पोर्टेंस कभी उतना नहीं रहा है. चॉकलेट्स लिए, बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट किए, फ्रेंड्स में डिस्ट्रीब्यूट किया एंड बर्थडे ख़त्म हो गया, ये होता था. बट आफ्टर यू बिकम एन एक्टर, जितनी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है उतनी ही लोगों से आपका जुड़ाव जो एक स्पेशल रूप में बनता है वो ऑडियंस के थ्रू और लोगों के थ्रू भी पोर्ट्रे होता है. सो इट फील्स वेरी स्पेशल टू गेट लव बाय एवरीवन. बर्थडे बम्स मिले हैं कभी? जी नहीं, और मैं चाहती भी नहीं हूँ मिले. आप लोग कोशिश भी मत करिएगा. ओके, नेक्स्ट क्या होने वाला है? एनी अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस ऑन दिस स्पेशल डे? या देयर आर सम गुड प्रोजेक्ट्स दैट आई एम वर्किंग ऑन. आल्सो आई हैव टेकन अप विद सिंगिंग राइट नाउ. सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड टुवर्ड्स इट, डूइंग माय शोज ऑल ओवर इंडिया. दैट विल बी ऑन कार्ड्स. प्लस देयर आर सम मूवीज व्हिच आर इन द पाइपलाइन व्हिच विल बी ऑन हिंदी प्रोजेक्ट नो. सो बहुत जल्दी कोई एक मूवी की खबर भी आ जाएगी आप सभी को. Which will be a Hindi film, and it has got relationship of a girl who's a prostitute and what she has gone through. इसके बारे में वो फिल्म है और इंडस्ट्री के काफ़ी अच्छे जाने माने कलाकारों में से नाम जुड़े हुए हैं. तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस. थैंक यू सो मच शुभकामनाएं. मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, हम लोगों ने साथ में शुरुआत की थी निरहुआ रिक्शा वाला से और बहुत बड़ी बड़ी हिट थी. वो जितनी अच्छी एक्ट्रेस हैं उतनी अच्छी इंसान है और हमारा तो बहुत अच्छा एसोसिएशन रहा. हम दोनों ने बहुत सारी फिल्में साथ में की और बड़ी बड़ी हिट दी हैं. तो मेरे लिए वो कलाकार से ज़्यादा मेरी दोस्त है. मैं चाहूँगा ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहे और आगे बढ़ती रहे. कैसी बॉन्डिंग रही आप लोगों की? बहुत कमाल की हमारी और बाकी की बॉन्डिंग ऐसी रही है कि जैसे एक सिक्के के दो पहलू. हम लोगों ने बहुत सारा सिनेमा साथ में किया. हमारी हम को एक्टर से ज़्यादा अच्छे दोस्त रहे हैं और लगभग 15-20 साल से हम दोस्त हैं. तो उनके जन्मदिन पर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ. थैंक यू सर. बस ना राखी जी इधर के पहले यहाँ पे मैम विजुअल का जन्मदिन है आज, क्या कहना चाहेंगे? या मैं पाखी मेरी बहुत पुरानी फ्रेंड है. जब मैं इंडस्ट्री में आई तब से मेरी फ्रेंड है और शी हैज़ डन अ लॉट ऑफ स्ट्रगल लाइक मी. हम दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया है बट वो भोजपुरी की सुपरस्टार बनी है. शी हैज़ डन लॉट्स ऑफ फिल्म्स, बहुत सारी फिल्में करी भोजपुरी में और आज उनका जन्मदिन है. हम तो बर्थडे विश करने के लिए आए. किस तरह की बॉन्डिंग रही है आपकी और पाखी की? क्योंकि आपने भी भोजपुरी सिनेमा किया, उन्होंने भी किया, किस तरह की बॉन्डिंग रही? मैंने तो भोजपुरी सिनेमा बनाया है. लाइक हमारे बॉलीवुड में यशराज बैनर है तो भोजपुरी में तो मेरा बैनर है. तो कट्टा तनक दुपट्टा रवि किशन और पवन सिंह को लेकर बनाया है. फिर होगी प्यार की जीत खेसारी लाल के साथ और बहुत सारी फिल्में बनाई हैं मेरे प्रोडक्शन में. तो
और मैंने काम भी किया है, अभी फ़िलहाल रवि के साथ भी गाना किया है। तो मैं बॉलीवुड, टॉलीवुड, लॉलीवुड, चॉलीवुड, सारे वुड में हम, कौन सा वुड है जो राखी? हाँ, सारे वुड में मैं काम करती हूँ। हॉलीवुड बाकी है, प्रियंका गई है ना, तो अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, वो रॉक कर रही है प्रियंका, मैं वहाँ पे जाकर रॉक करूँगी, मेरी असली जगह वही है एक्चुअली। तो क्या इन फ्यूचर पाकी के साथ नजर आने वाली है आप, या फिर उनको लेकर कोई फिल्म बनाने वाली है, अगर ऐसे कोई प्लानिंग है अगर शेयर करना? डेफिनेटली अगर मुझे मौका मिले तो डेफिनेटली मैं पाकी को लेकर फिल्म बनाऊँ, बिकॉज शी इज़ बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और मुझे लगता है कि भारत रिलीज हो गई है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखा, एक्चुअली टिकट नहीं मिल रही थी, इतनी भीड़ ईद के कारण, इतनी भीड़, मैंने कैसे कैसे ब्लैक तो नहीं कहूँगी क्योंकि मैं जेल नहीं जाना चाहती, बट मैंने टिकट ली कैसे कैसे फ्रेंड्स के थ्रू, बिकॉज सारे शोज़ बुक हो चुके थे यार। अमेजिंग फिल्म, मुझे लगता है कि 200-250 करोड़ में बनी है, मुझे लगता है 1000 करोड़ तो ज़रूर कमाई। लेकिन पब्लिक को पसंद नहीं आई है सब, क्या कहना आप इस पे, अगर आपसे पूछा जाए? पब्लिक तो CHU है, पब्लिक का क्या, पब्लिक को तो कुछ भी पसंद नहीं आता। शाहरुख खान इतनी अच्छा जीरो फिल्म बनाई, इतना अच्छा बेचारे पूरी फिल्म घुटने पर बनाई, तो नहीं 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 एक्चुअली मैं बताना चाहती हूँ, इतना मेहनत करते हैं शाहरुख, सलमान, सलमान ने तो देखो कितना बुढ़ापे का गेटअप किया, एंड फिर इतना अच्छा काम करते हैं हम लोग, इतना अच्छा काम करते हैं, पूरा साल निकल जाता है फिल्म और पब्लिक को पसंद नहीं आती, एक सेकंड में बोलते नहीं पसंद आई। अरे वो देखो तो सही, हमारी मेहनत तो देखो, सलमान की, शाहरुख की, सबकी मेहनत है। मेरे ख्याल से भारत फिल्म जो है बजरंगी भाई जान जैस, उससे भी और बेटर है, और बहुत सारे क्रिटिक्स हैं जो सलमान के खिलाफ जाते हैं, बड़ी फिल्म सुपर हिट जाने वाले, सल्लू मियां अपन तुम्हारे साथ है। राखी जी, इसके अलावा वर्ल्ड कप चल रहा है, टीम इंडिया काफ़ी अच्छा कर रही है, क्या शुभकामनाएं होने वाली है आपकी तरफ से? देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेले ये लोग, तो अच्छा है, सिर्फ करण जौहर के शो में जाके वो हार्दिक पांड्या जो पता नहीं क्या बकवास किया था, वैसे बकवास मत करें लड़कियों के बारे में, बस आप सिर्फ देश के लिए खेले, अपने लिए खेले, अच्छी बात है। आपका फेवरेट प्लेयर कौन है इंडियन टीम में? मेरा इंडियन टीम में फेवरेट प्लेयर डेफिनेटली विराट इज द बेस्ट, या इज गुड मैन। थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माता मंदिर कुछ नहीं कर सकते, थैंक यू। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि सीनियर सिटीज़न जो अपनी प्रॉपर्टी होती है बच्चे बड़े होते हैं उनके नाम पे कर देते हैं, तो इसलिए अमेरिका में, लंदन में, अब्रॉड में ऐसा नहीं होता, जब प्रॉपर्टी एक बार हाथ से चली जाती है तो सीनियर सिटीज़नों को कोई पूछता नहीं है, तो जब तक आपका एंड ना हो तब तक अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चों के नाम ना करें। और उनके बच्चों को ये बताना चाहती हूँ कि जीवन में पूंजी जो है वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे बड़े हैं, पैसे नहीं, तो अपने पेरेंट्स के रिस्पेक्ट करो और उनको वैल्यू दो, बिकॉज आज आप अपने सीनियर सिटीजन मतलब अपने माँ बाप को या उनके साथ आप बुरा व्यवहार करोगे, एक दिन आप तो सीनियर सिटीजन बनोगे ना, तो आपके साथ भी वैसे ही होगा। सो आई लव माई पेरेंट्स, और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सभी सीनियर सिटीजन को रिस्पेक्ट किया जाए, चाहे देश की बहू हो, वो अपनी सास के साथ अच्छा व्यवहार करें। आइए 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 सर। और मैडम के साथ मेरी दोस्ती कम से कम 15-20 साल से है, और आज भी मैडम के ऑडियंस बॉल और मुंबई में बर्थडे के लगे जो ब्राइट ने लगा है, तो बर्थडे में स्किल का स्पेशल आया, और ये भोजपुरी बहुत बढ़िया एक्ट्रेस है भोजपुरी। तो आगे किस तरह की बॉन्डिंग रही है आप दोनों की? अगर तो बहुत सालों से दोस्ती है, और उनकी जो भी फिल्म आती है उसको मैं प्रमोट करता हूँ, या वो जो भी बिजनेस करते हैं उसकी पब्लिसिटी का काम ब्राइट के पास है। ओके सर, थैंक यू। संगीता जी, सबसे पहले पाकी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप पाकी जी को आज के स्पेशल मौके पर? पाकी जी को इस स्पेशल मौके यानी उनके जन्मदिन पर बहुत सारी शुभकामनाएं, आने वाला दिन उनके जिंदगी का बहुत ही यादगार दिन हो, जो देश शांति है वो पहले से उनकी सारी मुरादें पूरी हो, और क्या कहूँगी, आप सबका आशीर्वाद मिले,
आप दोनों ने मतलब बहुत सारी फिल्में की हैं भोजपुरी में, कैसी बॉन्डिंग रही है आप लोगों की, अगर कुछ बताएं दोस्ती किस तरह की रही है, और पहली अगर कैसे मुलाकात हुई थी, कैसे मिले थे आप लोग, अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं। वैसे तो हम लोग काफ़ी पार्टीज वगैरह मिलते रहते हैं और काम भी बहुत किया है। जब पहली बार मेरी मुलाकात हुई थी, जब मैं फिर रामपुर के लक्ष्मण कर रही थी, तो पाठी जी से मुलाकात हुई थी और काफ़ी सीनियर थे, उन्होंने काफ़ी अच्छे अच्छे टिप्स भी दिए थे मुझे, और जो हमेशा हेल्पफुल रहे हैं ज़िंदगी में, हर फिल्म में कुछ ना कुछ उन्होंने मुझे टिप्स दिया है, तो मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। और एक अच्छी वेल विशर एंड सिस्टर, मोस्ट ऑफ सिस्टर की तरफ। थैंक यू सो मच। जस्ट सेकंड। ओके, पाकी जी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? पाकी जी को मैं शुभकामनाएं आज के दिन यही बनती है कि उनका जन्मदिन है, तो जन्मदिन को बहुत बहुत बधाई हो। विशेष मैं तो मेरी हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे पाकी जी। और पाकी जी का मेरा रिलेशन बहुत पुराना है, क्योंकि हमने सात सहेलियाँ फिल्म में साथ काम किया, तो सात हीरोइंस थी, लेकिन सातों के साथ मेरी तो ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ इस इंडस्ट्री में। लेकिन पाकी जी से वहाँ मेरी फर्स्ट मुलाकात हुई थी उस फिल्म में, बहुत अच्छी है, नेचर तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे दिल की है वो, तो ऐसा लगता ही नहीं है कि हम किसी सीनियर की मान जा रहे हैं, और बहुत अच्छे से हर चीज़ समझाते हैं उनका। मुझे लगता है आपको इंडस्ट्री में जितनी भी हीरोइंस हैं उनका सबसे बहुत अच्छा टाइप है, तो ऐसे ही आप हमेशा ऐसे ही रहे, और जो आपके मन में जितनी भी है वो सब आप मतलब आप बहुत आगे बढ़े, जितनी भी आपकी विशेष है वो सब गॉड फुलफिल करें। थैंक यू सो मच। दिन है, क्या कहना चाहेंगे, कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ, और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हम सबसे पहले हमारे तमाम भोजपुरी दर्शकों को उनके सबसे चाहते और उनके अपने प्रदीप पांडे चंदू की तरफ से बहुत बहुत प्रणाम बा, सलाम बा। और आज हम लोग बहुत ही हमारी इंडस्ट्री के जो लीजेंडरी एक्ट्रेस, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल की टैलेंटेड, मोस्ट टैलेंटेड गर्ल, मोस्ट टैलेंटेड हीरोइन, और मेरी बहुत ही करीबी, बहुत ही चाहती पाकी हेगड़े जी का जन्मदिन है आज, तो उनके इस शुभ दिन पर, उनके इस बड़े दिन पर हम सभी लोग इकट्ठा हुए, हमारे भोजपुरी यूनिवर्सिटी के बहुत अच्छे लोग, प्रणामी लोग, जैसा कि मैं आया हूँ, जैसा मेरे साथ सवाल भी हो रहे हैं, काफ़ी खुशी की बात है, अच्छा लगता है। एक्चुअली ये सब बहाने हैं, पार्टी से फंक्शन जो भी चीज़ें होती है, ये सब बहाने होते हैं। हम सभी परिवार, जो हमारा सिनेमा परिवार, इंडस्ट्री परिवार, ये सब एक साथ होता है, सबको मिलने का, क्योंकि सब अपने अपने काम में कहीं ना कहीं व्यस्त होते हैं, तो ये एक मौका होता है सबको एकजुट होने का, सबसे मिलने का, और काफ़ी अच्छा लगता है। जब मैं अपने सिनेमा परिवार से काफ़ी दिन के बाद जब मुलाकात होती है, बहुत खुशी होती है। और तय दिल से हमारी बाकी जी को, हमारी इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत, सबसे अजीज़, सबसे प्रीशियस बाकी जी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। द हैप्पीएस्ट बर्थडे टू हर। और ऊपर वाला उन्हें मैंने पूछ भी किया था कि ऊपर वाला उन्हें लंबी उम्र से बख्शे, वो ऐसे ही हमेशा अपनी खूबसूरती का चलना हमेशा खेल रहे। अच्छा, उनके साथ पार्टी करने का क्या प्लानिंग है आज, और आप कितना पार्टी करना पसंद करते हैं? मैं तो चूँकि सबसे जवान लड़का मैं ही हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री का, द मोस्ट यंग बॉय ऑफ भोजपुरी इंडस्ट्री, तो सबसे ज़्यादा पार्टी सबसे ज़्यादा धमाल मैं ही करता हूँ, और मैं खुद तो करता ही हूँ, साथ में जो हमारे जो कुछ लोग थक भी गए तो उनको उठा के नचाता हूँ, क्योंकि मेरा फ़र्ज है, ये जन्म सिद्ध अधिकार है मेरा, कि भोजपुरी में जो लोग थोड़े ठंडे हो जाए उनको उठा के फिर से गर्म करता हूँ, तो जितने भी लोग हैं सबको आज बहुत नचाने वाला हूँ, बहुत धमाल करने वाला हूँ। जैसा कि पाकी जी खुद भी बहुत चुटकुली हैं, नटखटी हैं, तो हम दोनों का हमेशा से ट्यूनिंग रहा है, तो वो ट्यूनिंग आज फिर से पार्टीज में दिखने वाला है, सबको नचाने वाले, बहुत धमाल करने वाले, और पता नहीं क्या क्या। आने वाले समय में आप दिखाई देंगे कोई फिल्म में? अभी हम लोग एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म, जिसके प्रोड्यूसर श्री प्रदीप सिंह जी हैं और डायरेक्टर श्री मंजू ठाकुर जी, उनकी एक बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही कमाल की फिल्म, जिस फिल्म का नाम है विवाह, उस फिल्म की शूटिंग हमने पूरी की है, उसमें बहुत ही खूबसूरती सा, कमाल सा, तड़कता फड़कता स्पेशल सॉन्ग मैंने और पाकी जी ने किया है, कमाल के फिल्म बनी है, कमाल का गाना पिक्चराइज हुआ है, और ये वो वैसी फिल्म है जो हम अर्बन सिनेमा की, जो हम सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं भोजपुरी में, कि भोजपुरी में हम ऐसी फिल्म देखें, स्टैंडर्ड फिल्म देखें, जो हम कहीं पर भी अपने पूरे परिवार के साथ किसी को भी हम दिखा सकते हैं, भारत के किसी भी इंसान को हम खड़ा करके वो फिल्म दिखा सकते हैं। वो ऐसी फिल्म है जिसमें अश्लीलता ऐसा नाम का कोई भी चीज़ नहीं है, पूरी तरह से वो फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है विवाह। विवाह राजश्री की एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, जब भी टीवी पर आता है तो हम लोग रिमोट से छोड़ देते हैं, वहाँ पर देखने लगते हैं, उसी तरीके का ये फिल्म हमने बनाई है, उससे भी खूबसूरत, वैसे बिल्कुल नहीं है, उससे पूरे तरीके से अलग कहानी है, नई कहानी है, बहुत ही खूबसूरत कहानी है। तो आप सबसे निवेदन है कि जब भी विवाह है तो आप लोग अपने नज़दीकी सिनेमाघरों में जाइए और देखिए उस फिल्म में, मेरा और पाकी जी का एक अलग रोमांस, और
और इतनी बातों के बाद मैं मेरे फ़ायदे की बात करूँ, 21 जून को मेरी बहुत ही खूबसूरत, कमाल और बहुत ही बड़ी फिल्म नायक रिलीज़ हो रही है, तो आप सब लोग अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में जाएं, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे दोस्त यार के साथ 21 जून के नायक फिल्म देखे खातिर, जिसमें हम पावनी एक नई अदाकारा और साथ साथ बाहुबली में जो विलन रहा काली के प्रभाकर, वो विलन उसमें मेरे साथ खतरनाक टकराव में दिखाई देंगे, तो बिल्कुल मत भूलिएगा 21 जून आपके नज़दीकी सिनेमा घरों में नायक देखने जरूर जाइएगा। एंड हैप्पी बर्थडे वंस अगेन टू पाखी जी, लव यू, थैंक यू सो मच। पाखी जी का जन्मदिन है, कैसी बॉन्डिंग रही है और क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे उनको जन्मदिन? बाकी मैं काफ़ी पुराने दोस्त हैं, इसलिए मैं आया हूँ और बस उनको ये कहना चाहूँगा कि ये साल उनके लिए हमें भी भरा रहे, खुशियों भरा रहे, एंड व्हाट एवर शी इज डन सो फार शुड कम टू दिस ईयर। सर कैसी बॉन्डिंग रही है आप लोगों की? वेरी नाइस उनकी पाखी, और मैं बिल्कुल बर्थडे पे लास्ट टाइम मिले थे मेरे बर्थडे पे शरान, वी आर ग्रेट फन, एंड अगेन आई जस्ट वांट, आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम दैट पीपल मस्ट बी अराउंड, और भाई साहब कहते हैं ना थिंक अबाउट गॉड, गॉड इज हियर, नहीं नहीं डेविल चलेगा। लेकिन बाकी से मेरी दोस्ती बहुत पुरानी, बहुत शुरुआती दिनों की दोस्ती है, और इसलिए हम सब लोग कोशिश करते हैं कि ऐसे इंपॉर्टेंट दिनों पर सबसे कम आए और शुभकामनाएं दें, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हो। उस प्रोग्राम में क्या करते हैं सर आप, सीनियर सिटीजन के लिए क्या मैसेज आपने क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने देश के सीनियर सिटीजन? जैसे जाते हैं अच्छा ऐसा, लेकिन वैसे भी मैं ये कहता हूँ कि जैसी करनी वैसी करनी, अगर माँ बाप जो है वो अपना जन्मदिन है, मेरी तरफ से ये सारी शुभकामना, बाकी बाकी ने तो दिन भर मेरे साथ 10-12 फिल्में की हैं और बाकी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे दिल रखने के इंसान, मेरी यही शुभकामना है कि ये जन्मदिन जो है वो बहुत बार बनता रहे, बहुत सारी फिल्मों में मैं तो चाहता हूँ दोबारा उनका कम बैक बहुत सुंदर तरीके से होना चाहिए। मैंने बीच में फिल्में करना कम कर दिया था, उन्होंने विवाह में एक गाना किया है, बहुत स्पेशल सॉन्ग किया है प्रोड्यूसर के बहुत कहने के बाद, तो मैं चाहता हूँ कि उनका जो जर्नी है सिनेमा में और जो काम अच्छा करते रहिए, पन्नी हो रहे और बाकी बस खुश रहो, मस्ती करो, स्वस्थ रहो, आपको जन्म कौन है कैसी बॉन्डिंग रही है पाखी के साथ? ही इज़ वेरी बहुत ही ग्राउंडेड है, जितना भी एक लेजेंड लेवल पे है फिर भी शी इज़ वेरी ग्राउंडेड एंड शी इज़ वेरी हम्बल ऑलवेज, द बेस्ट फ्रेंड। ओके, एनी ऑफ योर अपकमिंग प्रोजेक्ट यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? राइट नाउ नथिंग, विल बी रिक्रिएटिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स अगेन। ओके, सो बहुत सारे गाने रिक्रिएट हो रहे हैं, आपने भी एक गाना रिक्रिएट किया था रिसेंटली, उसके ऊपर काफ़ी अच्छे हिट्स भी मिले थे, तो क्या ऐसे ही सॉन्ग आप रिक्रिएट करने वाले हैं कुछ? वैसे ही करेंगे, जैसे अभी मेरा दिन भी कितना पागल है किया, 26 मिलियन व्यूज हो चुके हैं और बहुत अच्छा चल रहा है, समथिंग लाइक दैट। ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। पाखी जी का जन्मदिन है, क्या शुभकामनाएं होने वाली है आपकी तरफ से? हैप्पी बर्थडे पाखी, मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि मैं तो 7 साल पहले मैंने एक पंजाबी की फिल्म देखी थी उद्देश्य, तो मैं तो उस टाइम से उनको ढूंढ रहा था, थोड़े दिन पहले मैंने CCL में जब किसी ने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था, मैंने उनकी पूरी डिटेल जो है मेरे पास थी, तो मैं तो बहुत बड़ा फैन हूँ, बेस्ट ऑफ लक और बेस्ट विशेस, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। पंजाबी भोजपुरी कैसे हुआ मिलन? पंजाब क्योंकि वो भोजपुरी की स्टार हैं, तो मैं एक जो बहुत कल्ट फिल्म थी कुदेशन जो है, मुझे उनके डायरेक्टर ने दिखाई थी कि मैंने उनको पूछा कि ये कौन बुरी एक्टर, बहुत अच्छी एक्टर है, कौन है? उन्होंने बोला कि ये भोजपुरी की लड़की है, पर मैं मेक नोट नहीं कर रहा था कि इतनी अच्छी पंजाबी का एक्सेंट भी उनका है, तो एक्टर होते हैं कोई भी लैंग्वेज हो फील तो फील हो, बोल के कहंदी जान कट लैंदी ओए, इक कुड़ी 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 कुड़ी। एक सवाल है, मैं
को कहता हूँ कि उनको उनकी इज्जत करनी चाहिए, मतलब हमारी परंपरा है कि माँ बाप जो है या जो सीनियर लोग हैं आपके, उनको उनकी रिस्पेक्ट करने की, उनकी इज्जत करने की जो हमारी परंपरा है उसको बरकरार रखना चाहिए। और सीनियर सिटीजन जो है उनको बच्चों को छोटे लोगों को गाइड करना चाहिए और प्यार करना चाहिए। थैंक यू सो मच। हमने एक्चुअली स्टार्ट किया उनको घर पर सरप्राइज़ करके गिफ्ट्स एंड वॉट एवर फेवरेट थिंग्स आर, हमने ट्राई किया कि हम उतना करें उनके लिए, बिकॉज वो काफ़ी बिजी रहती है, उनको घर में टाइम नहीं दे नहीं पाते वो, तो हमें लगा कि हम घर पे ही सेलिब्रेट करते हैं। आज आप लोग के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ पे, सो वेरी हैप्पी। घर पे कैसी है पाकी जी, थोड़ा सा उनके फैंस को बताइए कि कैसे रहना पसंद करती है पाकी जी। उन्हें खाना बहुत पसंद है तो आप चटपटा खाना बनाओ, मिर्च मसाला वाला खाना बनाओ, कि जिम ट्रेनर थक जाते हैं उनको बोल के खाना अच्छे से खाओ पाकी जी, पर पाकी जी नहीं सुनते हैं, बाकी तो चटपटा खाना पसंद है, तो घर पे वही यही चलता है। घर पे सबसे ज़्यादा आई एम वेरी कॉन्शियस अबाउट माई डाइट एंड आई मेंटेन वेरी वेल एंड आपको मैंने पूछा था बेस्ट गिफ्ट क्या था, तो शी अर्न आउट ऑफ हर मनी शी गिफ्टेड मी फॉर द फर्स्ट टाइम अ गोल्ड चेन विच वॉज अ वेरी ब्यूटिफुल गिफ्ट, मेरे लिए बहुत प्रेशियस है क्योंकि ये इसकी पहली कमाई से उसने मेरे लिए खरीदा है। तो शी इज़ अ ब्लॉगर एंड शी इज़ डूइंग रियली ग्रेट राइट नाउ ऑन ब्लॉगिंग, सो आई रियली विश हर ऑल द बेस्ट एंड वेरी सून यू विल हियर दैट शी इज़ डूइंग मूवीज, लुकिंग फॉरवर्ड टू सम गुड प्रोजेक्ट्स। टिकटॉक पे जिस तरह का प्यार दिया है, आप कितना प्राउड फील करते हैं इस चीज़ पे? सो पाकी मैम आपसे जानना चाहूँगा, आशना को जिस तरह का प्यार मिला है टिकटॉक की बात करें और जिस तरह की वो ब्लॉगिंग करती है, उनके फैंस हैं इतने सारे, कितना प्राउड फील करती है इस चीज़ को लेकर? When she told me about her career, ke, she wants to start with acting as her career. मैं उतना serious नहीं थी because मुझे लगा कि हर एक का वो ड्रीम होता है, सो आई सेड अगर 100 फैंस भी आप जमा कर सकते हो तो उसके बाद में मैं कहूँगी कि आप एक्टिंग करने लायक हो तो वो आप अर्न कर लो, और इसीलिए मैंने उसको बोला कि तुम ट्राई करो, और आई वॉज सरप्राइज दैट यंगस्टर्स में वो काफ़ी नोन है और उसको अच्छे फॉलोइंग है, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा उसकी फॉलोइंग है आज, बिकॉज हम लोग सोशल साइट में बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है पाते एंड दे रियली मेक इट वेरी ऑन ऑन स्क्रीन ऑन सोशल मीडिया, तो इन वन मंथ्स टाइम शी इज़ ऑलमोस्ट क्रॉस 115K, सो दैट इज़ ग्रेट अचीवमेंट आई फील, सो लुकिंग फॉरवर्ड टू गुड प्रोजेक्ट्स फॉर हर। आशना क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को जो इतना प्यार दिया है आपको? और आई थिंक मैंने एक्चुअली इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था जितना मुझे मिला है, एंड आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वेरी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग आई हैव सो फार, आई एम जस्ट ग्रेटफुल। ओके, फैंस आपके प्रोजेक्ट्स का भी वेट कर रहे हैं, तो जैसे पाकी मैम ने कहा कि बहुत जल्दी फिल्मों में, आई वुड डेफिनेटली लव टू वर्क ऑन समथिंग, अभी फिलहाल शी वॉज अप्रोच्ड बाय वन ऑफ द फिल्म राइट नाउ, द टॉक्स वर ऑन, मंदाकिनी सन वॉज गेटिंग लॉन्च विद Devanand ji's grandson, but somehow she didn't like the thought, the line of the story, so she said no to that particular film, but we are really looking at good projects. Agar hum kuch kar rahe, toh I think 100% to be in it, you know, is very important, so for me the subject and everything matters a lot, so yeah, hopefully something comes. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. पाकी को जन्मदिन की दिल से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा, और शुभकामनाएं हैं इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं, वो हमारी शुरुआती दौर से शायद सबसे अच्छी को एक्ट्रेस रही, हम लोगों ने बहुत फिल्में साथ में किया था और हम लोग एक दूसरे से दिल से जुड़े हुए हैं। बाकी आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सफल रहें, कुशल रहें, लव यू सो मच पाकी, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ, ऐसी कोई खास मेमोरी है जो आप वो पहली अभिनेत्री जिनके साथ सबसे अच्छी बॉन्डिंग रही है हमारी, हम लोगों ने मैंने बोला ना कई फिल्में साथ में किया है, हम उनको प्यार से माते भी बुलाते हैं और हम लोगों के बीच में बड़ी अच्छी केमिस्ट्री, शायद ऐसी केमिस्ट्री मेरी अभी तक किसी हीरोइन के साथ रही नहीं है, तो पाकी जी इसमें सबसे स्पेशल है, हम
मैं भी स्पेशल हुआ है यहाँ पे आया हूँ। अच्छा, आने वाले समय में पाकी के साथ कोई फिल्म में नजर आने वाले आप लोग? बहुत रिसेंटली मैं पाकी के लिए, मैंने विलेन छोड़ के अब चरित्र अभिनेता का रोल करने लगा हूँ, तो मेरे मुझे पाकी जी बहुत जल्दी दिखने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग किरदार में, जल्दी बोले तो शायद एक आध दो महीने। थैंक यू लव यू पाकी। सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि पाकी जी हमारी इंडस्ट्री की सबसे कमाल के अदाकारा है, और उनको जहाँ पाकि हमेशा स्वस्थ रहे, खुश रहे और मस्त। थैंक यू ये देवेंद्र ही अच्छा बोल। आज जो है पाकी का जन्मदिन है, क्या विशेष है? कैसी बॉन्डिंग रही है पाकी के साथ, कुछ शेयर करना चाहिए, कोई खास मेमोरी है पाकी के साथ? यस, पाकी के साथ जब भी हम लोग पार्टी करते हैं या फिर जब भी हम लोग मिलते हैं, सो इट्स ऑलवेज फन टू बी विद हर, एंड स्पेशली शी इज़ अ वेरी you sings very well. Any song you would like to dedicate to Yes, my favorite song. Yeah, any song. विश करना चाहेंगे, आज उनका जन्मदिन है, कैसी मेमोरीज रही है, कुछ शेयर करना चाहेंगे? मेरी फर्स्ट फिल्म में मैंने पाकी के साथ काम किया, तो डेफिनेटली मेरी बहुत लंबी जर्नी उनके साथ, इट्स बीन लाइक सो मेनी इयर्स विद हर, और मेरे उनके बर्थडे पे यही विश है कि वो इतने सालों से इतनी सुंदर है, बस इतने सुंदर आगे दिखती रहे, शी इज़ वेरी हम्बल, वो बहुत अच्छे हैं, बहुत मतलब लव नहीं है उनको बयान करने के, बहुत स्वीट है, बहुत केयरिंग है उनका, हाँ बहुत अच्छा सोल है उनका, तो बस जैसी वो है वैसे ही रहने का उनको मैं विश करती हूँ, और भगवान उनको बहुत बहुत खुशियाँ दें, उनके परिवार में सब खुशी हो, उनके पीस हो, बस और क्या। मैं तो उनको यही विश करना चाहती हूँ कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो, और वो बहुत अच्छी सोल है, मतलब बहुत प्यारी है, वो इतनी केयरिंग भी है, मैंने उनके साथ PIPL किया था, एकदम हाँ शी इज़ ऑसम, किड की तरह रहती है, बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। अनारा जी, आपने बहुत सारी भोजपुरी फिल्में की है, तो कैसी बॉन्डिंग रही है उनके साथ? मैंने बोला कोई खास फर्स्ट फिल्म जब मैंने की थी भोजपुरी, तो वो उसमें थे, और आई वॉज वेरी मच लाइक, पहली फिल्म जो थी तो आप कैसे कॉन्शियस होते हो सेट पे, तो वो आए, उन्होंने मुझे समझाया, क्योंकि लैंग्वेज मेरे लिए बहुत नई थी, मुझे इस लैंग्वेज का पता नहीं था, तो उन्होंने मुझे समझाया अच्छे से, और वो बहुत फ्रेंडली, हाँ सपोर्टिव है, फ्रेंडली, और वो आपको बहुत चिल रखती है हर हर टाइम, चाहे वो पार्टी मोड में हो, चाहे वो वर्किंग मोड में हो, कि आशी तो सीनियर हाँ, वो बहुत फ्रेंडली रहते हैं, और मेरा उनके साथ बहुत अच्छा है, मतलब अलग बॉन्ड है, मैं वो मुझे बहुत मानते हैं, उनको बहुत प्यार करती हूँ, बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, और शायद यही चीज़ है कि इतने साल हो गए हमारी दोस्ती को, आई स्टिल वी आर टुगेदर, तब मैसेज आया कि मेरा बर्थडे है, तो आई वो मैं कल ट्रैवल कर रही हूँ, लेकिन मैंने फिर भी बोला कि डेफिनेटली आपका बर्थडे, आई डोंट वांट टू मिस। Thank you so much. Thank you.
बोलते कि हम तो दिखना चाहते हैं, बिल्कुल दिखना चाहते हैं, लेकिन वो दिखाने के लिए कोई होना चाहिए जो कि दोनों को एक साथ फिल्म दिखाए। हम लोग ऐसे दिख जाए काफ़ी है, फिल्म में दिखने की जरूरत नहीं है, हमारी हमारी बॉन्डिंग ऐसे दिख जाती है। ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी हैप्पी एंड उनकी जो बेटी है वो मेरी बहुत ही ज़्यादा मतलब वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड लकीली आई एम हेयर इन मुंबई सो आई एम वेरी हैप्पी विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे। टेल अस अबाउट योर फर्स्ट मीटिंग विद पाकी, पर्टिकुलर मेमोरी यू वुड लाइक टू शेयर विद अस? या मतलब उनके जब भी घर जाते हैं तो शी इज देयर एंड जब उनसे फर्स्ट टाइम मिला था उन्होंने बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मतलब खाना डिनर उन्होंने खुद अपने हाथों से हमारे लिए तैयार किया था, वाज वेरी स्वीट, शी इज द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो सो या फर्स्ट मीटिंग उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छी। अच्छा टिकटॉक पे जिस तरह का प्यार मिला है ऑडियंस से, क्या इतनी खुशी होती है, कितना प्राउड फील? वेरी लकी, वेरी लकी, जो सब मेरे साथ के अंदर हैं वो भी बहुत ज़्यादा मतलब बहुत खुश होते हैं इन चीज़ों से, कि जहाँ भी जाते हैं लोग बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो भी एक्सपेक्ट नहीं किया था इतना एंड जितने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ही हमें प्यार मिलता है जहाँ भी जाते हैं। अच्छा जब फर्स्ट वीडियो आपने टिकटॉक पे किया था तो क्या ऐसा सोचा था कि वेरी रैंडम हमने सबने ऐसे स्टार्ट किया था कि घर में फ्री थे कुछ और था नहीं एंड ये ऐप न्यू आई थी तो जस्ट स्टार्टेड एंड या नाउ इट्स अ वेरी बिग थिंग, टिकटॉक इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग इन इंडिया राइट नाउ सो या वेरी हैप्पी टू बी अबाउट। एनी प्लान्स टू कम इन द फिल्म म्यूजिक वीडियोस? म्यूजिक वीडियोस अभी 2-3 महीने में एक तो आ रही है बहुत ही अच्छे वाली, उसके बाद लेट्स सी, अभी डिग्री खत्म हुई है तो वेरी फ्री सो विल वर्क ऑन इट। थैंक यू सो मच।